मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे रूफटॉप गार्डन में आपको हर तरह के रंग बिरंगे जो फूल हैं वो खिलते नजर आ रहे होंगे। कुछ इसमें मेरे गार्डन फ्रेंड्स जाति बहार के भी फूल शामिल है, जिसे हम मेरे गार्डन फ्रेंड्स विंटर फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। जैसे ये सारे के सारे मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये सारे के सारे ये विंटर फ्लावर प्लांट्स हैं। इनका भी जो स्पेल है तकरीबन नॉर्मली खत्म होने वाला है, तमाम ही के जो सीड्स भी है सेविंग हो रहे हैं। इसी तरह मेरे गार्डन फ्रेंड्स कुछ समर के भी आपको फ्लावर्स नजर आ रहे होंगे, खिलते खिलाते नजर आ रहे होंगे। और साथ साथ है आपको ये मानसून के जो फ्लावर्स हैं, जिसमें खासतौर पे व्हाइट रेन लिलीज हैं, इस पे भी फ्लावर्स खिलते नजर आ रहे हैं। अगर मैं वेजिटेबल्स में आऊं तो यहाँ ये लेटेस्ट हेल्थी बुशी है अभी, और इसी तरह यहाँ आपको समर की वेजिटेबल्स सारी की सारी नजर आ रही हैं, जैसे शिमला मिर्च है, टमेटोस हैं, ये व्हाइट एग प्लांट्स हैं, ये पर्पल एग प्लांट्स हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये पुदीना है, मिंट है। साथ ही ये मेरे कॉर्नर पे सारे के सारे प्रीनियल ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। और अगर सकुलेंट प्लांट के हवाले से बात करें तो ये कलंचू पे भी है मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये सिंगल पेटल रेड कलर के फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो आज की मेरे गार्डन फ्रेंड्स इसी तरह के एक सकुलेंट प्लांट पे आप इस वक्त ये हेल्थी बुशिया ये प्लांट देख रहे हैं। इस प्लांट का मेरे गार्डन फ्रेंड्स नाम है कॉटिलेडन और बीकुलाटा। और आपको ये जो लीव्स नजर आ रहे हैं कुछ सिल्वर सिल्वर कलर के हैं, ये लीव्स नजर आ रहे हैं, तो उसका बेसिकली कंप्लीट जो नाम है कॉटिलेडन और बीकुलाटा सिल्वर पीक प्लांट इसे कहते हैं। एस इसकी जो लीव्स के कलर के वाइज भी इसे सिल्वर पीक प्लांट भी कहते हैं। दूसरा जो उसका नाम है, इसके नाम है जो नाम प्लांट का नाम है पिक्स ईयर प्लांट। पिक्स ईयर प्लांट यानी रिजेम्बलेंस है पिक्स के, जिस तरह के दुकान होते हैं उस हवाले से इसके जो लीव्स की है उसकी रिजेम्बलेंस की गई है। और बेसिकली जो कॉटिलेडन का मतलब होता है स्पून लाइक, यानी चम्मच की नुमा जो लीव्स की शेप होती है, इस हवाले से इसको रिजेम्बलेंस की गई है। कॉटिलेडन ऑर्बिकुलेटा इसका नाम दिया गया है। और बेसिकली मोस्ट प्रॉब्ली है जो सकुलेंट प्लांट्स हैं अपने लीव्स ही की वजह से जज किए जाते हैं। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स आज मैं इस कॉटिलेडन ऑर्बिकुलेटा जो प्लांट है, इस वक्त आप हेल्थी बुशी देख रहे हैं, बाहर का एंड होने वाला है तकरीबन है, और कैसे इसकी हेल्थी बुशी ग्रोथ होती है। इसमें बड़े बड़े छोटे से एक पॉट में लगा हुआ है, प्लास्टिक का ये पॉट है, यहाँ भी लगा हुआ है कुछ, यहाँ भी मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं। ये सारी की सारी मैंने एक से स्टेप बाय स्टेप कटिंग्स है यहाँ लगाई है, यहाँ डिस्पोजेबल में भी लगा हुआ है। अब जो डिस्पोजेबल इसमें लगा हुआ है, हो सकता है कि आगे मौसम के तक ये इसी तरह का प्लांट, इसी तरह का हेल्थी बुशी हो जाए। तो आज मैं अपने गार्डन फ्रेंड्स को कॉटिलेडन और बीकुलाटा के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर आउट करूंगा। इससे पहले एक साल पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी मेरे गार्डन फ्रेंड्स के लिए, बहुत कम हो गए मेरे गार्डन फ्रेंड्स जिन्होंने ये वीडियो से हवाले से देखी होगी सकुलेंट के हवाले से, तो मैंने कहा कि दोबारा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर आउट की जाए। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स पहली बात तो ये है कि बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो है, इसकी प्रोपगेशन है लीव्स के जरिए होती है। कोई सिंगल सा एक लीव्स तोड़ के आप लगा देंगे, लीव तोड़ के लगा दें, कटिंग्स लगा दें, जिस तरह यहाँ ये मैंने छोटी छोटी कटिंग्स लगाई हुई है डिस्पोजेबल में यहाँ, तो नॉर्मली इसकी हेल्थी बुशी ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। अब कब कटिंग इसकी लगाते हैं, आप बाहर के मौसम में भी लगा सकते हैं। मैंने तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स जब मौसम इसका सर्दियों का ख़त्म हुआ था, एंडिंग जनवरी में ख़त्म हुआ, तभी से मैंने ये कटिंग है मुख्तलिफ इसे छोटे से पॉट में लगा दी थी। और आगे बाहर का मौसम जब स्टार्ट होता है तो लाजमी होता है जब नए नए फ्लावर ब्रांचेस खिलने का सिलसिला स्टार्ट होता है, फ्लावरिंग बर्ड्स ऐसे फूल आपको कभी भी खिलते हैं, ये बाहर के नजर आ रहे हैं, इनकी ग्रोथ स्टार्टअप होती है, तो इन पे भी सकुलेंट प्लांट पे भी नए से नए लीव्स हैं, नए से नए ब्रांचेस हैं निकलने शुरू होती हैं और इसकी हेल्थी बुशी ग्रोथ होती है। और इतनी कटिंग थी मेरे गार्डन फ्रेंड्स जब मैंने लगाई थी और इस वक्त इस पॉट पे, और आपको अब ये हेल्थी बुशी नजर आ रहा है। और तमाम का तमाम ये मेरा बाहर के सीजन में ओपन सनलाइट में रहा, उस वक्त सर्द यानी बाहर फॉर एग्जाम्पल जनवरी के एंड में मैंने लगाई, फरवरी का महीना, मार्च का महीना भी खत्म हुआ, अप्रैल का महीना है भी, वो भी खत्म होने वाला है, तो तकरीबन ये
5 से 6 घंटे की ओपन सनलाइट मिला आपको। क्या मौसम काफी चेंज आउट हो गया हुआ है, लाजमी पता है बाहर का भी पेंडिंग है, 30 टेम्परेचर होता है। तो अब इसको मैंने जरा पार्शियल शेड में शिफ्ट आउट किया हुआ है, आप इसे पार्शियल शेड में भी कर सकते हैं आप इसे। तो मेरे ख्याल फ्रेंड्स आप इसे इंडोर भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो वीडियो है समर केयर टिप के हवाले से है। और इंडोर का मतलब है कि बिल्कुल कमरे में नहीं रखना, वहां जहां आपकी इनडायरेक्ट सनलाइट आए किसी विंडो के पास रख सकते हैं, या किसी भी जहां मेरे मुख्तलिफ आपने देखे हैं नीचे सैन में भी मुख्तलिफ ऑर्नामेंटल आप कई वहां भी प्रीने प्लांट्स पड़े हैं, जहां नॉर्मली 2 घंटे की सनलाइट लाजमी आए, क्योंकि सनलाइट का आना जरूरी है हेल्थी ग्रोथ के हवाले से है किसी भी प्लांट की। और अगर इसे ज़्यादा सनलाइट आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे अगर मेरे ये रूफ टॉप पे अगर है, रूफ टॉप में अगर भाई 5-6 घंटे की आजकल मैं इसमें सनलाइट में रखूंगा, तो इसके जो लीव्स हैं ऊपर ऊपर से ये यहाँ से येलो येलो होना शुरू हो जाते हैं, बर्न आउट होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह यहाँ से जिस तरह ये लीव्स हैं यहाँ सूख के यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, ये होता है जिस तरह ये लीव्स हैं यहाँ से ये होते हैं। तो कोशिश करें कि ताकि इसकी जो सिल्वरनेस है, इसकी जो शेप है सिल्वर की है जिस तरह ये नज़र आ रहे हैं, इस दो घंटे की सनलाइट में समर के मौसम में इस पे दी बेस्ट है इनकी हेल्थी ग्रोथ के हवाले से। अब तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स थोड़ा सा कटिंग का, जैसे मैंने बताया कि अगर बहार शुरू होने यानी होते वक्त जब शुरू होती है बहार, यानी जनवरी के एंड जब बहार शुरू होने के वक्त आप इसके कटिंग्स लगाएं। और दूसरी जो कटिंग्स लगाने का जो बेस्ट टाइम है मेरे ख्याल में, आप क्या कहेंगे जी आप तो वीडियो लेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे गार्डन फ्रेंड्स वीडियो लेट की बात नहीं है, कुछ पहले टिप्स होते हैं कुछ बाद के, यही टिप्स आपके बाद में भी काम आएंगे। और दूसरी कटिंग्स आपकी इजीली आप इसके मॉनसून के मौसम में, यानी जब ये गर्मियों का मौसम थोड़ा सा ख़त्म होगा, ये यानी हॉट वेदर है, उसके बाद आप इसके मॉनसून के बेबी इसमें कटिंग्स लगा सकते हैं, बहुत इजीली इसकी कटिंग हो जाएगी, बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ है स्टार्टअप हो जाएगी। लेकिन टू मच इसको बारिशों से हैवी बारिशों से इस प्लांट को बचाना है, वैसे भी बहुत हार्डी प्लांट्स है, अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाए तो ये प्लांट है मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये बर्दाश्त भी ये कर लेता है पानी है इसके, लेकिन ज़्यादा ओवर वाटरिंग होगी ये होगी इसके जो ये लीव्स हैं ये बेचारे टूट के जल्दी गिरना शुरू हो जाती हैं, बस ये उसमें होता है। और बाकी एज सच है मेरे पास भी ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये प्लांट है तकरीबन 8 साल हो गए हैं, और मुख्तलिफ आगे मैं प्रोपोगेशन करता हूँ इसकी, खास तौर पे बहार शुरू होने से पहले इसकी प्रोपोगेशन कटिंग्स भी की जाती है, प्रोपोगेशन एक तरह की जाती है मुख्तलिफ, जैसे अभी उसी वक्त में ये अब बाद में भी ये बहार के बाद यानी अब एंडिंग स्प्रिंग में यानी मिड ऑफ सम स्प्रिंग में मैंने ये कटिंग्स लगाई हैं, यहाँ से कुछ कटिंग्स मैंने दोस्तों को भी दी है, यहाँ से भी कटिंग्स निकाल के दी हैं, जो कटिंग्स हेल्थी बुश होगी आप जिस तरह ये हेल्थी बुश ही था आप कटिंग निकालना, तो वैसे इसमें थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने कहा आपको ऐसे जैसे भरा भरा बुशी बुशी नजर आ रहा है इसको वैसे ही रहने दें, यहाँ भी बिल्कुल बुशी बुशी था, यहाँ से भी मैंने कटिंग साथ देखी, यहाँ से मेरे गार्डन फ्रेंड्स अभी भी ये मेन प्लांट है सेंटर से ये साइड के प्लांट्स या देख रही नीचे से बेबी प्लांट्स बन रहे हैं, ये यहाँ से और बहुत ईजिली आप प्रोपोगेशन कर सकते हैं इतना छोटे छोटे, यहाँ से मैंने प्रोपोगेशन है डिस्पोजेबल में की हुई है, और अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा आपको टू मच हॉट वेदर है तो जरा पौधे को भी जरा थोड़ा सा संभालने का मौका भी देना होता है, लेकिन अगर मॉनसून में करेंगे तो बहुत इजीली आपकी ये है कि जो कटिंग्स है प्रोपोगेशन है इजीली हो जाएंगी। और अभी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं ताकि मैं चाह रहा हूँ कि ये भी जहाँ मैंने ये प्लांट्स यहाँ से मैंने सेंटर प्लांट निकाला था यहाँ इसकी भी इसी तरह यहाँ बड़े बड़े प्लांट्स इतनी हो जाए, तब मैं अभी बाहर के मौसम में फिर इसकी बाद में छोटे छोटे पॉट्स में प्रोपोगेशन करूँगा। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये थोड़ी सी समर केयर जो टिप्स थी, और जहाँ तक थी अपने गार्डन फ्रेंड्स के मैं शेयर करना चाहता था, जहाँ तक पानी का ख्याल है मेरे गार्डन फ्रेंड्स पानी मैं दिन में अब इसे एक दफ़ा ही देता हूँ आप, या और प्लास्टिक में पॉट में लगाया हो तो पानी में एक दिन पानी देता हूँ, एक दिन पानी दिया और फिर 2 दिन के बाद पानी दिया अगर ये पार्शियल शेड में है, अगर ओपन सनलाइट में है तकरीबन अगर 3-4 से 5 घंटे की रूफ टॉप पे है तो मैं वैसे तकरीबन रोज़ाना पानी इसको मैं देता हूँ हल्का हल्का सा, ठीक है अगर पास पे, और अगर यहाँ है तो उसमें अगर यो अगर मैंने इस यहाँ रखे हुए हैं रूफटॉप पे है वहाँ से मैंने इसको उठाए थे इसको भी मैं सुबह शाम पानी देता हूँ, लेकिन ये जो प्लांट है गमले में है जो टेराकोटा ये मिट्टी के पॉट में है ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स इनमें है तकरीबन सुबह शाम पानी मिलता है इन्हें है, लेकिन ये इस वक्त ये प्लांट हैं
ये इसमें जो सनलाइट का है ड्यूरेशन है 4 से 5 घंटे की सनलाइट आती है, ताकि इसलिए इनकी नई नई ब्रांचेस हैं जल्दी निकल रही। तो ये मेरे कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी समर के टिप्स के हवाले थी, कॉटिलेडन ऑर्बिकुलाटस के हवाले से, पिक्सियर के प्लांट के हवाले से, और उम्मीद करेंगे कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स को सकुलेंट जो प्लांट के हवाले से जो कि केयर टिप्स हैं और जहां जिस पर दूसरे मेरे रंग बिरंगे खिलखिलाते फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वीडियो पसंद आएगी। बाय आसिम नवाज फ्रॉम वाजी सोमसिंगार।